तो अपना नाम पर्चे कहाँ के रहने वाले थे बता दीजिए। जिला कहाँ के रहने वाले हैं? धोत्री टोला। कौन सा जिला थाना है? थाना बलिया, जिला बलिया, थाना डुप्टी। जी क्या मामला है थोड़ा हमको बताएंगे? मामला सुबह सुबह मतलब था कुछ झगड़ा दिन नहीं, फटाके चक्कू मार दिया। कौन मार दिया? वो गुड्डू से। जी कब का घटना ये? कब? किस? 30 दिसंबर जी 2019 2018 18 तो ना कर सकते है इसमें। जी तो क्या हुआ इसमें? गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं हुआ, अभी पुलिस भी मिला है, पैसा खा रहा है उसका। बात क्या आपके पास कोई सबूत ऐसा है? हाँ, सबूत है, मोबाइल में है। चार्जशीट लगाऊंगा तो तुरंत मैं नाम बढ़ा दूंगा और उसी सबूत लगा दूंगा, काम खत्म दे दूंगा चार्जशीट। उसी में उसी चक्कर में रुका हूँ। उसी दिन मैंने सीएम साहब से बात की, आप सोच लीजिए मतलब 18,000 रुपए मैंने लिया करके उनको अपने बिल से दे दिया उनको। ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा, 5 पैसे जवान दिया उसका। सोच है हमारी बात सुने बहुत। हाँ, आप अपने जवान पे वो रखिए और मैं ब्राह्मण में अपने जवान पे अगर कहीं लीक हो तो कहीं अगर जितना मैं कहा उससे अगर अधिक हो जाएगा या कुछ का हो जाएगा तो आप मुझसे कहिएगा। ऐसे मैंने मेरे लाइफ में जीवन में नहीं है ये बता देना है। क्या 18,000 भेजा था? वो भी अधिकारी है मेरे पास, रिसीव कर रहा हूँ। कहाँ भेजे हैं वो तो हमें पता नहीं है। वो कहाँ भेजे हैं? वही वो बोल रहे थे कि बहुत ब्रांच का नंबर है उसका, पता नहीं तो मैं क्या बोलते हैं वो नंबर बताइए। एक बार सुने हैं आप अगर जाएंगे बैंक मैनेजर से मिलेंगे तो वो तुरंत जाएगा। तो उस समय आपसे पूछा, मैं 3-4 दिन लेट हो गया था ना, आपसे पूछा, आपने बोला कि वो तुम्हें बांट दिया, मैं भी आप बिंदास बैठ गया। नहीं, वो सुन ले एक मिनट, मैंने अपने पास से सुन ले एक मिनट, हमारी बात सुने। मैंने पर्सनली अपने पास से जिनसे हम मंगवाए थे उनसे मंगवा करके मैंने लिया पैसा। हमें क्या पता पहुंच गया आपके खाते पर नहीं भेजा, समझ रहे हैं? पैसा मिल जाएगा, वो आपको पैसा हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम सुने पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं ना? आप अगर इस दिमाग ये दिमाग लगा रहे पैसा मायने रख रहा है ना, पैसा मायने पैसा आपने सोचा अगर मान लीजिए जैसे अधिकारी है ना लेकर के मैनेजमेंट अगर मैं उनसे बात अगर करा दूँ तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, आपका भी कहना ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बताया कि बात मैं उनको बुलवा करके उनसे पैसा दे दिया, आपने कहा खाते भेज दिए तो आपने ले करके इन लोगों को दे दिया। अब दो तीन दिन बाद हो गए निकालने तो खाते पैसे नहीं था उनके। क्या मामला है पूरा हमको जानकारी दीजिए। इसमें पुलिस का ही बिगा हुआ भगत है, उन लोग पैसा मांगे, उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और कौन मांगा है? अजय कुमार पांडे सिपाही। क्या कह रहा था वो? वो उनकी पिताजी से पैसा मांग रहे थे, जितना पैसा दे दिया लड़के का केस कम कर देंगे, धारा कम लगा देंगे। जी तो उन्होंने कम कर दिया क्या? अभी वो धारा 304 में गई ना, कम ही हो गया ना वो तो। हाँ जी ठीक, कितना लिए मांग रहे थे वो? पैसा 70,000 मांगे थे वो। हाँ जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है, रिकॉर्डिंग है उनका। हाँ और भी कुछ सबूत है? अकाउंट नंबर है उनका। हाँ जी ठीक। और क्या उस समय आपने एसपी साहब से मिला इस मामले में? हम ये आजमगढ़ भी गए थे, वो बोले 302 में लगा दिया जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। हाँ जी साहब के पास भी गए थे। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं 302 लगे उनके ऊपर। हाँ जी नहीं। और भी क्या मामले हैं? इससे पहले अपनी बीवी को भी जगा के मार चुका है। जी और आगे कुछ और है? वो मुंबई में तारी पा रहा है, उसके पास बहुत केस है। हाँ जी, मतलब अपराधी आदमी है? अपराधी आदमी है। क्या इसके बावजूद भी यहाँ भग के आया वो? हाँ यहाँ भग के आया है, वहाँ से गाड़ी में क्या आया, चोरी गाड़ी भी है, उस थाने में बंद है वो। आप लोग डर भी लगता है? हाँ डर रहता है ना। पर्चे बता दीजिए पूरा। हमारा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया जिला का रहने वाला हूँ, डूटी थाना पड़ता है। क्या मामला है थोड़ा हमको बताएंगे? कहा जा रहा है हत्या हुई है। और टाइम था 30 दिसंबर 2018 सुबह 6:30 बजे का टाइम था जी। ये अपने कमरे से सो के निकल रहे थे तो मैं अपने कमरे से निकल के दरवाजे पर खड़ा था जी। ये मेन गेट पर खड़ा था, इसमें चक्कू मार दिया। मारने के बाद हमने बोले पकड़ो पकड़ो, चक्कू मारा है, ये चक्कू भाग गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको हम लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। हाँ। अस्पताल में पहुंचे, परिवार को सांत्वना के लिए हमने कहा कि हम दवाई करा के ले जा रहे हैं, लेकिन वो घटनास्थल पर मृत्यु उनका हो चुका है जी। वहाँ जाने के बाद 100 नंबर का फोन किए, पुलिस आया, पुलिस आने के बाद मेडिकल बलिया गई, मेडिकल हुआ।
तो इसके बाद क्या उनकी कार्रवाई कुछ पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई क्या होगा? वो जाकर सीधा कोर्ट भाजी हुआ। हाँ अच्छा, तो इसमें क्या धारा लगे गए हैं? धारा उसमें 304 या 305 लगा है जी, जो घटना स्थल पर मृत्यु है उसका 302 लगना चाहिए। अच्छा, तो आपने की शिकायत इस पर क्या कहीं किया आपने? हमने जाके इस दरोगा से बात किए, कहीं भी 302 लगाइए, घटना स्थल पर मृत्यु हुआ है। लेकिन ईश्वर ने बोले कि देखेंगे, 302 से 304 तगड़ा होता है जी। ईश्वर ने बोला कि 302 में जवान भी हो जाता है, इसमें जल्दी जवान नहीं होता है, फिर भी देखेंगे। इसने बोला कि देखेंगे, लेकिन वो सुन नहीं लगाया। ठीक है, आपने इसके और किसी उसे अधिकारी से आपने मिला ना? और किसी एसपी साहब से नहीं मिले। लाल दीजिए, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम आपका है? हमारा नाम राकेश कुमार सिंह है, धतरी टोला के रहने वाले जी। कौन सा थाना, कौन सा जिला आपका है? थाना डुगटी है, जिला बगिया। हाँ जी, क्या मामला है थोड़ा हमको बताइए? इस हमारे पिताजी का मर्डर का मामला है। क्या मामला, किस तारीख हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? 30/12/18 को हुआ था। अच्छा, तो क्या इसमें कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा, क्या चाहते हैं आप? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। कौन लोग थे जो आपको पिताजी को मारे हैं? चाचा नरके थे। अच्छा, वो कहाँ हैं अभी? अंदर है जेल में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम धारा 302 चाहते हैं उसमें। अभी क्या लगा है? 304, 504। ठीक है, कब मर्डर हुई थी, किस समय हुई थी? सुबह 6:30 बजे के आसपास। आप कब उनकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु 7-10 से 15 मिनट के अंदर ही हो गया था। हो गया था, ठीक। किस चीज़ से वार किया गया था उनको? चाकू से वार किया गया था। हाँ जी, मौके पर कोई देखा उनको कब? दिन में तो रात में? दिन में, सुबह। दिन में सुबह? खाली वही थी और कोई था? वही थे, अकेले वही थे। हाँ जी, इसमें पुलिस मिली हुई क्या? हाँ, पुलिस मिली।